तुम कुछ पियोगी? नहीं, मुझे आयशा की बहुत टेंशन हो रही है, बस घर चलते हैं। किस चीज की टेंशन हो रही है? डॉक्टर ने अभी इंजेक्शन लगाया है, दवाई भी दी है, देखो कितने सुकून से सो रही है। थैंक यू मैम। थैंक यू की क्या जरूरत है, तुम और आयशा मेरे अपने हो। अच्छा एक काम करते हैं कि इस सामने से जूस ले लेते हैं, अम्मी के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, फिर घर चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। आदिया, तुम इसके लिए परेशान हुए थे जुहेर? ये तो यहाँ सैर सपाटे कर रही है। बकवास बंद करो सारा। जिसे तुम चाहती थी वो तो तुम्हें मिल गया ना। अगर तुम हमेशा से ही उमेर को पसंद करती थी तो फिर जुहेब की जिंदगी में आके उसकी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? प्लीज चुप हो जाओ सारा। ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि पहले दिन से तुम्हारी ये चाल थी और हम लोग सिर्फ तुम्हारे इस खेल के मोहरे थे। हमारी सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि हम तुम्हारी बातों में आ गए, और उसके बाद मेरी ये गलती थी कि मैंने सोचा कि मैं तुम जैसी लड़की को इज्जत दिलवा सकता हूँ, अपने घर की अपने खानदान की इज्जत बना सकता हूँ। लेकिन सच तो ये कि तुम जैसी औरत किसी के साथ भी वफादारी कर ही नहीं सकती। शट अप। मैं अब सारा के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। वरना मैं वरना क्या उमेर, चले इधर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। चलो चलो आ जाओ। काश मैं तुम्हारी असली चेहरा पहले देख लेता। मौरत के नाम पर भाव चले। इसके लिए परेशान हो रहे थे तुम तो?